हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लेक्चर 6 का पार्ट 1, जिसमें हमारा एजेंडा होगा ऑपरेटर्स इन सी क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स के साथ हम लगाते हैं ताकि हम ये स्पेसिफाई कर पाएँ कि हम उस ऑपरेंड्स के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आइए इस बात को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर हम लिखते हैं 2 प्लस 5, तो 2 और 5 एक ऑपरेंड है और उसके बीच लगा है एक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 2 और 5 को जोड़ दीजिए। तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन, तो उसके लिए हमने लगाया एडिशन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का काम बेसिकली ये है कि हम उस ऑपरेंड के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये ऑपरेटर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमें बताता है। आइए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने हैं सी में। हमें पढ़ना है बेसिकली सी में अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड साइज ऑफ ऑपरेटर्स। इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 तरह के होते हैं: मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलस। आई होप ये 4 जो स्टार्टिंग के 4 हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये मॉडुलस जो है वो आपके लिए नया है। मॉडुलस अर्थ ऑपरेटर बेसिकली रिमाइंडर को दिखाता है, यानी अगर हम 9 और 3 को डिवाइड करते हैं तो इनके बीच रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं बचेगा। मीन्स रिमाइंडर विल बी 0, सो आवर रिजल्ट विल बी द मॉडुलस रिजल्ट विल बी 0। इफ वी आर डिवाइडिंग 9 बाय 4, देन द मॉडुलस रिजल्ट विल बी 1, बिकॉज वेन वी डिवाइड 9 बाय 4 द रिमाइंडर विल बी 1। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि मॉडुलस ऑपरेटर्स का काम क्या है। और जो बाकी 4 ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनको स्क्रीन पे दिए गए स्लाइड्स को देखिए। जब हम ए में 9 और बी में 3 ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके 27 दे रहा है। अगर हम ए में 9 और बी में 3 ले रहे हैं तो सिंपली डिवीजन ऑपरेटर्स 3 रिजल्ट दे रहा है। अगर हम एडिशन उसी को कर रहे हैं 9 और 3 को, तो हमें एडिशन ऑपरेटर 12 दे रहा है। अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं 9 और 3 को, तो हमें सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू 6 मिल रहा है। इस बात को हम चलिए प्रोग्रामिंग के माध्यम से भी समझते हैं। आइए अब कोडिंग की मदद से हम ऑपरेटर के फंक्शन को समझेंगे। हमने एक कोड लिखा है जिसमें हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। हमने 2 वेरिएबल लिया है ए और बी नाम का, इंटीजर डेटा टाइप में उसे हमने किया है डिक्लेयर। और स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम रन टाइम पे दोनों ही वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद हम सारे ऑपरेटर को यूज कर उसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। पहला प्रिंटएफ स्टेटमेंट सिर्फ सिंपली हमें ये कहेगा कि आप नंबर इनपुट करें, और स्कैनफ फंक्शन हमें ये इजाज़त देगा कि हम रन टाइम पे जो भी डेटा चाहते हैं वो 2 नंबर इनपुट कर सकें। उसके बाद प्रिंटएफ स्टेटमेंट 5 हैं। ये 5ों प्रिंटएफ स्टेटमेंट में हमने सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड के फंक्शन को यूज़ किया है और क्रॉस
कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट प्रिंट किया है। आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमसे सबसे पहले दो नंबर इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है। हम अगर इनपुट करते हैं 9 और 6 सबट्रैक्शन रिजल्ट 3 आया, एडिशन रिजल्ट 15 आया, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 54, डिवीज़न रिजल्ट 1 एंड मॉडुलस रिजल्ट 3। एक्चुअल में इसका डिवीज़न रिजल्ट होना चाहिए 1.5, लेकिन चूंकि हमने अपने डेटा को इंटीजर डिक्लेयर किया है और जब हम रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं डिवीज़न में, ये देखिए, तो हम इसको इंटीजर में प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ इंटीजर वाले सेक्शन को दिखा रहा है। हमारा वास्तव में रिजल्ट होना चाहिए 1.5, लेकिन हमें 1 दिखाई दे रहा है। हम डिवीज़न रिजल्ट को देख रहे हैं, उसके लिए हमें करना होगा टाइप कास्टिंग, मीन्स हमें हमारे इंटीजर वाले रिजल्ट को फोर्सफुली फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम करेंगे टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन जब करेंगे तो उसे हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर, करते हैं कन्वर्ट। जब हम इसे इस नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हम ए और बी के डिवीज़न को जब फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, तो अब हमें दिखेगा। आइए रिजल्ट को देखते हैं। अब आपको जो हमने लास्ट में डिवीज़न रिजल्ट वाला सेक्शन लिखा था फ्लोट करके, मीन्स टाइप कन्वर्जन किया था, उसके कारण हमें एक्चुअल रिजल्ट 1.5 दिख रहा है। यानी हमने किया टाइप कन्वर्जन और उसके कारण हमें रिजल्ट दिखा 1.5000। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑपरेटर्स का काम क्या है और ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आपने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सी में क्या होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल प्रोग्रामिंग टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए और बना पाऊँ। धन्यवाद।